हेलो फोर्थ क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप टेन इन फाइन। आई होप आप अपनी स्टडी कंटिन्यू घर पर कर रहे होंगे। बेटा बेटा, हम जो आपको अब रिवीजन वर्क करा रहे हैं उसको भी आप ध्यान से वीडियो को देख रहे होंगे। तो आज हमारा जो रिवीजन वर्क में है, मैंने लास्ट वीडियो में 7.1 कराई थी जो हमारी डिवाइड की थी। अब मैं आपको आगे चलती हूँ डिवाइड के सम के साथ ही 7.2 एक्सरसाइज। 7.2 एक्सरसाइज है बेटा हमारी, देखो, फाइंड द क्यूटेंट एंड द रिमाइंडर विदाउट एक्चुअल डिवीजन। मतलब हमें फाइंड करना है इस एक्सरसाइज में क्यूटेंट और रिमाइंडर बट विदाउट डिवीजन, मतलब डिवाइड ना करके वैसे ही हमें बताना है। तो हम शुरू करते हैं अपना फर्स्ट सम जो है बेटा। देखो, फर्स्ट है हमारा 89680 को हमें 100 से क्या करना है बेटा, डिवाइड करना है और हमें इसमें क्यूटेंट और रिमाइंडर बताना है। तो इसमें बट हमें डिवाइड करके दिखाना नहीं है, वैसे ही बताना है इसे कि भी हम कैसे कर सकते हैं। आप देखो बेटा, हमारा वंस और टेंस टू डिजिट है। अब हमारा इधर का वंस और टेंस आ गया, 6 से हमारा वंस और टेंस आ गया। ठीक है बेटा, हम वंस और टेंस से ही बताएंगे कि कौन सा हमारा रिमाइंडर है और कौन सा हमारा। अब देखो, वंस टेंस यहाँ इधर से हमने किया वंस और टेंस, ठीक है बेटा, और इधर से हमने किया तो इधर से भी हमारा वंस टेंस ही आ गया। अब हमारा जो वंस और टेंस है, इसके बाद की जो दो डिजिट है उसको हम नहीं लेंगे, और इसके बाद की जो 60 है वो हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर, और 89 इधर की हमारी क्या हो गई, क्यूटेंट। तो हम आंसर में लिखेंगे बेटा, क्यूटेंट हमारा 89 है, ठीक है बच्चों, और वंस टेंस जो वाली डिजिट है पहले हम इधर की रफ कर देंगे तो ये हमारा क्यूटेंट आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा बचा तो ये हमारा क्या आया, रिमाइंडर। रिमाइंडर हमारा कितना है, 60, तो हम यहां पर 60 आंसर लिखेंगे। ठीक है बेटा, हमने विदाउट डिवीजन के मींस हमने डिवाइड नहीं करके देखा, वैसे ही हमने अपना क्यूटेंट और रिमाइंडर निकाल लिया है। एक और देखते हैं बेटा, हम 10 वाली देखते हैं, बी पार्ट का 370 को हम 10 से डिवाइड करेंगे। इसमें हम क्यूटेंट और क्या करेंगे बेटा, क्यूटेंट और रिमाइंडर हम अपना पता करेंगे। तो क्यूटेंट और रिमाइंडर हमें पता करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारी एक जीरो है, वन सी है, ठीक है, अगर टू जीरो होती तो वन टेंस हम टू डिजिट लेते। तो अब हमारा एक ही है वंस, ठीक है, तो ये हमारी एक डिजिट जो वंस इधर वाली है वो हमारी रिमाइंडर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, रिमाइंडर। ओके बच्चों, जो जीरो है वंस हमारी एक, क्योंकि इसमें भी वन जीरो है, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, रिमाइंडर, और जो ये डिजिट बची है वो हमारी क्या होगी बेटा, क्यूटेंट। थर्टी सेवन हमारी क्यूटेंट हो जाएगी। ओके बच्चों, एक और देख लेते हैं जिसे आपको अच्छे से समझ में आ सके। अब देखो, सी पार्ट है बेटा हमारा 768 60 को हमें डिवाइड करना है 1000 से, 103। अब देखो बेटा, थ्री डिजिट है, थ्री जीरो है, 1 2 3, वंस टेंस 100 है, इसमें भी हम वंस टेंस 100 तक हम अपनी जो डिजिट है वो काउंट करेंगे। तो उसमें हमने वंस टेंस 100 तक अपनी डिजिट हमने काउंट कर ली। अब देखो, इसमें 3 है, इसमें भी हम वंस टेंस 100, ये हमने 3 डिजिट जो हमारी आ गई इधर की, तो वो हमारी क्या हुई लास्ट, ये इधर वाली हम वंस इधर से करेंगे, जितनी यहाँ पर जीरो है उतनी ये हम अपनी वंस टेंस 100 तक, और 2 है तो वंस टेंस आएगी, अगर 10 है तो ओनली वंस आएगा। यहाँ पर 20 थी बेटा, यहाँ पर वंस टेंस
वो हमारा क्या हो जाता है? रिमाइंडर। ठीक है बेटा, क्या हो जाता है? रिमाइंडर। अब देखो बेटा, इसमें 3 0 है, हमने यहाँ भी 3 डिजिट काउंट करी, 1, 10, 100। तो ये हमारा क्या हो गया? इधर वाला हमने इसको छुपा लिया, तो हमारा इधर वाला क्या हुआ? रिमाइंडर। 8, 6, 0 हमारा रिमाइंडर आया, और बाकी का जो ये बचता है 7, 6 वो हमारा क्यूटेंट है। ये हमारा क्यूटेंट आया 76। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? एक और देख लेते हैं जिससे आपको और भी अच्छे से समझ में आ सके। डी है बेटा हमारा 6570 को हम 100 से करना है बेटा हमें डिवाइड। तो अब हम 100 से करेंगे, तो अब हम देखो कितने जीरो है, 2 0 है, 1s और 10s। ठीक है बेटा, अब इसमें भी हम देखेंगे 1s और 10s। 2 देखा हमने, तो 1s और 10s हमारे क्या हो जाएंगे? जो हमारे इधर का है ये रिमाइंडर, क्या होगा? रिमाइंडर। तो हमारा रिमाइंडर क्या हुआ बेटा? 70। और क्यूटेंट हमारा 65। जो हमारे 1s और 10s होता है इसको हम छुपाएंगे, जो बाकी के डिजिट है, और इधर के डिजिट हमारी क्या हो जाएगी? 70। और क्यूटेंट, क्यूटेंट हमारी आएगी 65। ओके बच्चों, अब देखो 1, 4 0 को हमें 10 से हमें क्या करना है बेटा? डिवाइड करना है। अब इसमें भी हमें बेटा क्यूटेंट और रिमाइंडर बताना है विदाउट डिवाइड करके। वैसे ही हमें एक्चुअल डिवीजन मतलब उसकी बतानी है, डिवाइड नहीं करना है। तो अब देखो 1, 1 0 है, तो इसमें हमारा 1 क्या है? 0 है, और बाकी का जो डिजिट है वो हमारे क्यूटेंट है। ठीक है बेटा, तो हमारा रिमाइंडर क्या आया? रिमाइंडर, क्योंकि इसमें एक ही 0 है, एक ही 0 है, तो इसमें भी हम एक ही डिजिट लेंगे, कोई भी हो। ये नहीं 0 ही हो, यहाँ पे 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। ठीक है बेटा, तो जो यहाँ पर 1 होगा हमारा काउंट करने में 1 होगा, तो हम उसकी ही रिमाइंडर लेंगे। तो हमारा यहाँ पर 0 है, तो बेटा हमने 0 ले ली, और बाकी का हमारा क्या हो गया? क्यूटेंट। तो हमारा क्यूटेंट क्या आया? 40। ओके बच्चों, ये हमारी विदाउट डिवाइड करके है। अगर हम डिवाइड करते तो अलग से यहाँ पर दिखाते, बट हमारी एक्सरसाइज में यही पूछा है कि हमें विदाउट मतलब डिवाइड नहीं करना, वैसे ही हमें इनके एक्चुअल बताना है कि भाई कौन सा क्यूटेंट है और कौन सा रिमाइंडर। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप आपको 7.2 की जो मैंने रिवीजन कराई है, इसके सम्स कराए हैं, वो आपको समझ में आ गए होंगे। बेटा फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर या मेरे पर्सनल नंबर पर कॉल कर पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, बाय, हैव ए नाइस डे।